हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से हाजिर हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ, जो कि है चिकन करी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिस ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लेकर के आएँ। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। 10 से 12 छोटी इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च, लौंग 3 से 4 हमने ले लिया है, सूखी लाल मिर्च, और 4 ले लिया है बड़ी इलायची। अब आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, जो मोटी तली की हो। इसमें डाल दिया हमने ऑयल, और ऑयल सरसों का है। इसको अच्छे से हमने गर्म करके ठंडा कर लिया, उसके बाद हमने ये सारे खड़े मसाले डाले हैं ताकि ये मसाला जले नहीं। तो जब ये थोड़ा सा फटकने लगे, थोड़ा सा पक जाए, तब इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। ये चिकन 2 किलो है, 2 किलो के प्रोपोर्शन से हम बना रहे हैं इसे। तो हमने 1 किलो से थोड़ा ही कम प्याज लिया है। अब इसको डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और प्याज को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत फ्राई करिएगा। मतलब इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम ही होना चाहिए, और इसको धीरे धीरे लाल होने दीजिएगा ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज़ होए और ये प्याज अच्छे से पके। देखिए बिल्कुल लाल हो चुकी है प्याज। अब इसमें डाल देंगे हम चिकन के पीसेस। सारे पीसेस डाल लिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज के साथ, जिससे कि इक्वली प्याज स्प्रेड हो जाए, चारों तरफ फैल जाए और अच्छे से भुने। अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार हल्दी, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन और नमक का पेस्ट। इसको भी डाल करके हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर अदरक लहसुन के पेस्ट से ही आता है। तो आप भरपूर डाल दीजिएगा। हमने 3 टमाटर ले लिए हैं, उसकी प्यूरी बना ली है, और ये है 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच है चिकन मसाला, और 1 भर के चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। चूंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो इसलिए हम लाल मिर्च थोड़ा कम रखेंगे। धनिया हमने घर पे पीस करके रेडी किया हुआ है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ऐसे। अगर आपके पास भी है तो आप सुखा करके उसको पीस सकते हैं। बस ये सारे मसाले मिक्स करके हम डाल देंगे इस चिकन में, और इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाते हुए इसे हम भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे बिल्कुल। तो देखिए तेल छोड़ दिया है, हमें इसे फ्राई करते करते, इसे पकाते पकाते 1/2 घंटे हो चुके हैं, और ये बिल्कुल चिकन भी गल चुका है और हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल थिक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अगर आपको सूखा खाना है तो आप सूखा खाइएगा, और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा। ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, और एक उबाल आने तक हमने इसको पका लिया है। तो बस अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, और इसको डाल दिया एक बोल में। बोल में डालने के बाद इसको अपने मनपसंद तरीके से आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। हमने इसमें थोड़ा सा छिड़क दिया है धनिया पत्ता, जिससे कि इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। तो कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और हमारी मेहनत और हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है और आपको इसी तरह की रेसिपी देखना पसंद है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।